क्रीम चाट बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना। बनाना मैंने लिए हैं 10, और सेब हैं ये 5 लिए मैंने, और फ्रेश क्रीम मैंने ली है ये 1 kg वाला पैकेट है, इसमें से हम हाफ यूज़ करेंगे, ये व्हिपिंग क्रीम है। ग्रेप्स मैंने ली हैं 1 कटोरी जितने, और रेजन मैंने ली है यानी कि किशमिश 2 टेबल स्पून, आलमंड हैं ये बादाम 2 टेबल स्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो अब मैं फ्रूट्स को काट लूँगी, सबसे पहले बनाना को काटूँगी फिर एप्पल को, क्योंकि एप्पल का कलर चेंज हो जाता है। तो अब मैं ये सारे बनाना काट लूँगी। ये एप्पल और बनाना मैंने काट लिए हैं, इसको साइड पे कर देंगे। और ये क्रीम मैंने बाउल में डाल ली, ये व्हिपिंग क्रीम है इसलिए इसको मैं थोड़ा सा व्हिप्ड कर लूँगी, बस थोड़ा सा इसको मैं व्हिप्ड करूँगी। ये देखिए क्रीम को मैंने थोड़ा सा बस बीट किया है, अब इसमें फ्रूट्स ऐड कर देंगे। बनाना डाल दिए, ये देखिए फ्रूट्स मैंने डाल दी हैं और मैंने मिक्स कर लिया। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की क्योंकि जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ वो ऑलरेडी मीठी होती है। अब इसमें ये डाल दूँगी किशमिश और थोड़े से बादाम, और थोड़े से मैं ऊपर गार्निश के लिए रख लूँगी। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी क्रीम चाट बन के रेडी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। तो मज़ेदार सी हमारी क्रीम चाट बन के रेडी है। अब इसको इस पर मैंने थोड़े से एप्पल के साथ गार्निश कर लिया था, अब थोड़े से आलमंड भी हम इस पर डाल देंगे, थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग भी बनाइए, बहुत ही मज़े की बनती है और ये हेल्दी भी बहुत है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। और फ्रूट्स में मैंने लिए हैं सेब, मैंने लिए हैं आधा किलो, अमरूद लिए हैं मैंने आधा किलो, और केले हैं 8 से 10 अदद, और ऑरेंज का मैंने टैंग लिया है, इसमें ऑरेंज टैंग है 3 टेबल स्पून, ये देख लें ऑरेंज फ्लेवर में मैंने लिया है, और 3 टेबल स्पून है इसमें चीनी, और थोड़ा सा चाट मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो अब फ्रूट्स की हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम काट लेंगे एप्पल, तो इसको हम रफली काट लेंगे, जैसे भी आपको ईजी लगे आप फ्रूट्स की कटिंग कर लीजिए। तो सारे एप्पल्स में काट लूंगी। तो एप्पल की हमने कटिंग कर ली है, अब हम अमरूद को काट लेंगे। इसको भी हम बारीक बारीक इसी तरीके से रफली कटिंग कर लेंगे। तो बनाना भी मैंने छील लिया है, अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फ्रूट्स कटिंग करके मैंने बाउल में डाल दिए हैं। अब एक बाउल में मैंने डाल दिया है 1 कप जितना पानी, इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ऑरेंज फ्लेवर का टैंग। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब टैंग वाले मिक्सचर में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला आपको अगर पसंद है तो आप डाल लीजिए, वरना तो आप रहने दें, अगर आपको नहीं पसंद तो। इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। अब ये टैंग और चीनी वाला मिक्सचर मैं ऐड कर दूँगी सारा फ्रूट्स में, तो सारा इसमें ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की फ्रूट चाट बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको और भी इसमें फ्रूट्स पसंद है तो आप लोग वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी टैंग के साथ जो हमने बनाई है जूस वाली फ्रूट चाट। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये चाट कैसी लगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।